नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बार फिर से भूचाल आ गया। बीजेपी इस मामले को लेकर देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान के बाद अब पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हीना रब्बानी खार ने भारत पर हमला बोला। हालांकि ये वही हीना रब्बानी खार हैं जो काम से ज्यादा अपना स्टाइल स्टेटमेंट और बिलावल के साथ आपत्तिजनक संबंधों की वजह से चर्चा में रहती हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान को जब यूएनएससी में आतंकी ओसामा के मुद्दे पर भारत की ओर से करारा जवाब मिला तो वो भारत को घेरने के नए नए तरीके खोजने लगा। आलम यह है कि बौखलाया पाकिस्तान और उसका विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बुनियादी भाषाई नैतिकता की सीमा को लांघ चुका है। जब उनकी आलोचना होने लगी तो अब पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हीना रब्बानी खार भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हीना रब्बानी खार ने भारत के खिलाफ ट्वीट किया है। बिलावल का वीडियो रिट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, भारत ने यूएनएससी की अपनी अध्यक्षता का इस्तेमाल आतंकवाद का ढोल पीटने के लिए किया है, जबकि वो पाकिस्तान में नियमित रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है। हीना रब्बानी के ये जहरीले बोल कोई नई बात नहीं है। जब विदेश मंत्री जयशंकर यूएनएससी की अध्यक्षता करने की तैयारी कर रहे थे तब पाकिस्तान ने कहा था कि लाहौर में आतंकी हाफिज सईद के घर के करीब 2021 में हुए धमाके में भारतीय एजेंसियों का हाथ था। हालांकि पाकिस्तान जितनी बार भी भारत पर हमला करने की कोशिश करता है, हर बार भारत के कद्दावर विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने जवाब से उसकी बोलती बंद कर देते हैं। हीना को बुरी तरह नंगा करते हुए जयशंकर ने कहा, मैंने हीना रब्बानी खार के बयान की रिपोर्ट को पढ़ा है। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है जब हिलेरी क्लिंटन पाकिस्तान गई थी और उन्होंने हीना रब्बानी खार से ही कहा था कि अगर आप सांप को पालोगे तो ये मत सोचिए कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को काटेगा, वो आपको भी काटेगा। उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पाकिस्तानी पत्रकार को कहा कि आप यानी कि पाकिस्तान दुनिया को मूर्ख नहीं बना सकता, अपनी हरकतें सुधारिए और एक अच्छा पड़ोसी बनिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यूएनएससी में भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें करारा जवाब ही मिला। पाकिस्तान ने जब आतंकवाद का मुद्दा उठाया तो विदेश मंत्री जयशंकर ने उन्हें ओसामा की याद दिलाते हुए कहा, जिस देश ने आतंकी ओसामा को शरण दी वो उपदेश देने के काबिल नहीं है। हालांकि बिलावल भुट्टो को इस बात की ज्यादा तकलीफ थी कि भारत को आतंकी साबित करने के चक्कर में पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने नंगा हो गया है, जिसके बाद बौखलाहट में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी, जिसे लेकर अब भारत में विरोध हो रहा है। तो हीना भी अब नया मोर्चा लेकर इस विवाद में कूद पड़ी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।